वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 19 जो कि है मैथमेटिक्स, और उसके बाद हम देखेंगे साइंस और फिर देखेंगे हिंदी जो कि है आज 17 अगस्त की वर्कशीट। जो मैथ के अंदर जो हम टॉपिक देखने वाले हैं क्लास 10th की, इसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे एपी का टॉपिक। एपी के अंदर लास्ट वर्कशीट में हमने देख लिया था nth टर्म कैसे निकालते हैं, आज हम देखेंगे सम टू एन टर्म्स। आइए चलते सीधा बोर्ड की तरफ। बोर्ड में हम जाके पहले इसको समझेंगे करते कैसे हैं, फिर हम देखेंगे और इसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ये तीन, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इसको आप खुद अटेम्प्ट करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एपी में थर्ड क्लास चल रही है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सम टू एन टर्म्स, मतलब अगर आपको एक एपी दे रखा है और उसके अंदर आपको बोला है कि first 10 terms का सम निकालो तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसको एन टर्म्स बोलते हैं, nth टर्म। मुझे पता नहीं है कौन सी, तो उसको हम एक जनरलाइज फॉर्म में बोलते हैं nth टर्म। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे लिखते हैं SN, तो सम टू एन टर्म्स ऐसे पढ़ते हैं, सम टू एन टर्म्स। तो फॉर्मूला हो गया n/2 n/2 (2a) प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d। तो ये हो गया आपका सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला। डिराइव कैसे करते हैं, आज की क्लास में इतना टाइम नहीं है तो हम इसके लिए एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कार्ट में डाल दूंगा। उससे पहले और एक चीज़ आती है सम टू एन टर्म्स में, सम टू फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर यूज़ भी होगा, आज नहीं दिखाऊंगा बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। फर्स्ट टू फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स कहते किसे हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरीके से जो चलते रहते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट अगर मैं आपको बोल दूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते करते 10, इन सब का सम निकालो जल्दी से, एक सेकंड में आप निकाल सकते हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं उसको कहता हूँ लाजपत नगर अपॉन 2। दिल्ली में रहने वाले लोग जानते होंगे अच्छे से, लाजपत नगर अपॉन 2। लाजपत नगर अपॉन 2 का मेरा मतलब हो गया लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से मैं याद रखता हूँ। आप देखो लास्ट टर्म क्या है इसकी, 10। नेक्स्ट टर्म क्या होगी अगर होती तो, 11/2। देखो बहुत ही आसानी से ये 5 हो गया, 55। देखो मेरे पे बिलीव मत करो, इसको सम करके देखना कि 55 आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं। अगर मैं इसको एन बोलता, मुझे नहीं पता होता कि ये टर्म कौन सी है, तो मैं इसको एन बोलता। ठीक है, फॉर्मूले में भी लिखना आना चाहिए, तो याद करने का तरीका हो गया। लास्ट टर्म क्या हो गई, एन। अगली टर्म क्या होती, एन प्लस 1, एक ज्यादा ना, नेचुरल नंबर में एक ज्यादा होता है बस, अपॉन 2। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कैसे आपने इसका फॉर्मूला निकाला। अब उन्होंने क्वेश्चन में वर्कशीट में बोला था कैलेंडर है और 30th डेज तक का है, तो इसका सम निकालो। तो देखो लास्ट टर्म क्या है, 30, अगली क्या होती, 31/2, तो इसको 15 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 465। इसी तरीके से उन्होंने और एक क्वेश्चन दिया था, बोला था पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा सम टू फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था उन्होंने, सॉरी उन्होंने बोला था इंटीजर्स, इंटीजर्स भी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स ही हो गए, तो वो 1000 तक बोला था। तो हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, SN हो गया आपका, लास्ट टर्म क्या है 1000, अगला क्या होता 1001/2, तो इस तरीके से आपका ये आ गया 500। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 500। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में बोला है फाइंड द सम, तो सम से आपको समझ में आ जाता है कि हमें ये वाला फॉर्म निकालना है। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो जरा पहले इसको एपी में लिखने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल ऑफ 8 बोलना मतलब टेबल ऑफ 8, जरा समझे, टेबल ऑफ 8। तो सबसे पहला टेबल ऑफ 8 क्या होगा, 8। दूसरा क्या होगा, 16। ठीक है, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना बस जानना है कि कितने निकालने हैं ये। देखो ये हो गई पहली टर्म A1, ये हो गई दूसरी टर्म A2, तो निकालने कितने हैं, उसने बोला 15। ओके 15, तो हमारा n क्या हो गया, n हो गया 15, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे 15 तक निकालना है। तो हमारा a क्या हो गया, 8, और d क्या हो गया, A2 - A1, 16 - 8, 8, वो भी 8 हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना होगा, ये वाला फॉर्मूला। तो उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, एस 15, 15 निकालनी है ना, तो 15/2 2 × a, सो 2 × a कितना है, 8, प्लस n-1 मतलब 15-1 कितना होता है, 14, सीधा लिख दो आप चाहे तो, और इसको मल्टीप्लाई करना है डी से, डी कितना है, 8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/2, ये आ गया 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आया 80, और 8 × 16 = 32, 32, तो 2 = 112, 112। तो यहाँ पर आपका ये टोटल हो गया। अब इसको आप, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। तो इसको आप जब टोटल करेंगे तो 15/2, इसको आप ऐड कर दें 128। अब इसको यहाँ से आप कैंसिल कर देते हैं तो 64। सो 15 × 64 कितना होगा, हो जाएगा 960। कैसे करा, 64 × 10 640, और × 5 करेंगे तो इसका मतलब आधा, 320, तो आ गया आपका 960। तो आपका आंसर हो गया 960, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है फाइंड द सम, तो सम तो फिर दोबारा मिल गया। फर्स्ट 22 टर्म्स, किसका सम निकालना है, 22 टर्म्स, तो n मिल गया मुझे 22 ऑफ एन ए पी इन विच डी इज 7। तो डी तो उन्होंने बड़े प्यार से इन्होंने हाथ में दे दिया 7, और 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म ये पोजीशन दे रखी है, तो मतलब A22 = 149। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए होता है, देखो डी चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, और एन चाहिए होता है। एन और डी तो है, हमारे पास ए नहीं है, तो वो यहाँ से मिलेगा, समझो बात को। A22 लास्ट क्लास में, लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था A22 का फॉर्मूला है A+21D। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो पुरानी वर्कशीट ज़रूर देखें। अब इससे ए निकालेंगे, डी की वैल्यू कितने, 7। सो A+21 × 7 = 149, ठीक है। A यहाँ पर 7 प्लस आएगा यहाँ पर A+7 147 = 149। ये प्लस हो रहा होता जाके माइनस हो जाएगा, A = 149 - 147, A = 2। सो ए की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से। S 22, तो 22/2 2 × 2 प्लस n-1 मतलब 21 × 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आ गया 11, 11, और यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 7, और ये आ गया 14, तो 147। सो 147 हो गया, और यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 × 2, यहाँ पर कितना आ गया 151। तो 11 × 151 कितना होता है, देखो पहले 10 से करा 151 0, फिर 1 से करा 151, तो 1 आया, या 6 6 1।
अभी देखो फास्ट कैलकुलेशन मैंने किस तरीके से करी, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको सीखनी हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही मैथ्स से रिलेटेड, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए चलते हैं, आप देख लेते हैं साइंस की वर्कशीट क्लास 10th की, जिसके अंदर हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के अंदर हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ पढ़ लिया था, और अगर कोई डाउट है तो उसमें पूछ लेना, बिकॉज हमने उसके अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो ओम्स लॉ हम रिवाइज अभी हम ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, आप पुरानी वीडियो देखें, उसमें बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम्पल में दे रखा है। इसके अंदर हम रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जितना ज्यादा वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है उतना ज्यादा करंट उसमें से कम फ्लो करता है। आज हम इसके अंदर और भी कुछ कारण देखने वाले हैं रेजिस्टेंस के, कि क्या क्या होते हैं। पहला होता है लेंथ ऑफ वायर। आप खुद समझ सकते हैं जितनी लंबी वायर होगी, देखो करंट फ्लो उतना ही ज्यादा धीरे धीरे करेगा ना। अगर वोल्टेज ज्यादा बढ़ाएंगे तो ही वो ज्यादा दूर तक फ्लो कर पाता है। आपको याद होगा हमने वोल्टेज के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो लेंथ अगर लंबी होगी तो क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेंथ के बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो लेंथ वायर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस देन शॉर्टर वायर। तो कहने का मतलब ये है आसान भाषा में, जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई डाउट मत रखिए अपने मन में, करंट धीरे फ्लो करेगा। करंट के बारे में बात करेंगे तो वो धीरे हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला क्रॉस एरिया सेक्शन। अब क्रॉस एरिया से घबराए नहीं, देखो वायर की जो वो होती है साइज होता है वो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, कितना ज्यादा मोटा है और कितना ज्यादा पतला है, ठीक है ना। तो अगर ये जैसे मोटी वायर है, आप समझे, आप खुद सोचें मोटी वायर और पतली वायर किसमें ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, किसमें ज्यादा एरिया होगा। ऑब्वियसली मोटी वायर में ज्यादा होगा। अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखें, ज्यादा मोटी वायर होती है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कम रुकावट होती है उसमें। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के दोनों इनवर्स है, 1/a है ये। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखें इस चीज में। तीसरा हो गया नेचर ऑफ मटीरियल। तो नेचर तो आपको पता है कि बहुत मैटर कर जाता है, अगर कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो उसमें। तो तीसरा हो जाता है आपका अलॉय हो जाते हैं, जिसके अंदर वो बीच का हो जाता है। तो कंडक्टर वो हो गए जो कंडक्ट करने में आसानी करते हैं, ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर कम रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर वो हो गए जैसे कि लकड़ी हो गई, जैसे कि ग्लास हो गया, वो क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, वो रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज बार बार बोलो नहीं होना, करंट और रेजिस्टेंस में। हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस के दिमाग में सोचें, रुकावट अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रुकावट ज्यादा होगी, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रुकावट कम होगी। तीसरा आ जाता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के अंदर बोला गया है अ कोल्ड फिलामेंट, फिलामेंट आपको पता है कि बल्ब में होती है, कोल्ड फिलामेंट हैज लेस रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस होती है देन अ हॉट फिलामेंट। तो जितना ज्यादा मेटल की जो हॉटनेस और कोल्डनेस, अगर बोलेंगे टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस होने लग जाती है, वो प्रॉब्लम करने लग जाता है। देखो आप खुद सोचो, दिमाग लगाएं कि आप जब हीटर होता है, हीटर के अंदर आपने देखा होगा वहां पे वायर होती है, वो लाल होने लग जाती है, आपको साफ दिख रहा होता है उसमें से हीट है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो करंट पास कर रहा होता है उसको हीट करने लग जाता है, गर्म करने लग जाता है। तो गर्म करने लग जाता है तो करंट फ्लो कम हो जाता है, आप समझे उसके अंदर। आप इसको इस तरीके से समझे कि वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वहां पे घुस चुके हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घुस चुकी है, तो इसका मतलब वहां पे ट्रैफिक जाम हो गया। बेसिकली वहां पे ट्रैफिक जाम हो गया तो करंट फ्लो होना धीरे हो गया है। तो जितना ज्यादा हॉट होगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ओके, और कोल्ड होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये इसके अंदर क्रक्स है, ये बता दिया इन्होंने। यहाँ पे जो पी बोला है इसे कहते हैं रो, RHO बोलते हैं। ये बेसिकली ये बताता है मटेरियल की कंडक्टिविटी, मतलब ये मटेरियल के बारे में बताता है, ठीक है।
आपने ये देख लिया है कि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है एल अपॉन ए हम लिख सकते हैं, और इसको हम पी, आप रो बोलते हैं इसको, ऑलमोस्ट पी जैसा ये रो जो हो गया वो उसका मटेरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके वैल्यू को। तो आगे चलते हैं, इसी चीज को उन्होंने और डिटेल में यहाँ पे बता रखा है थोड़े बहुत। ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस की हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, ओम्स मीटर होती है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मटेरियल से रिलेटेड, तो आप देख ले। सिल्वर क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टर है वो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो देखो कम है, 1 point something। और यहाँ पे देखें ग्लास, यहाँ पे क्या है देखो माइनस में है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव मतलब बहुत ज्यादा है। ग्लास क्या है इंसुलेटर, और टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक तरीके से आपका हो गया अलॉय। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल में भी दे रखा है जो रो है मतलब मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर का सबसे ज्यादा होता है, फिर अलॉय का होता है, और फिर कंडक्टर का होता है, इसी ऑर्डर में ये चलता है। यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, हमने भी बात कर ली है इसके बारे में, हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हम देख चुके हैं पहले भी, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। पहला आंसर है ये, तो तीन फैक्टर्स हैं बेसिकली। पहला फैक्टर है आपका लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटीरियल। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अ वायर ऑफ लेंथ 1 एंड रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड का मतलब हो गया लंबी कर दी, गेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ, क्रॉस सेक्शन का जो है रेडियस वो आधा हो गया। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो बेसिकली मैंने इसको न्यूमेरिकली भी करके दिखा दिया आपको, ये आंसर है व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल। ओके, डबल कर दी हमने, हम मान लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेच करी हमने डबल, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन गेट्स रिड्यूस बाय हाफ। सो बिकॉज मटीरियल तो उतना ही है ना, अगर आपने एक चीज को लंबा करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो कम होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप लंबा करे जा रहे हैं और उसकी विथ में मतलब उसकी जो डायमीटर है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर वो डबल होगा तो विथ उसकी हाफ हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या होगा, नई लेंथ हो गई 2L और एरिया हो गया a बाय 2। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर P तो वहीं का वहीं रहेगा, तो 2L हो गया ये a बाय 2, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा तो 4, तो आंसर आ गया 4 times। तो हम यहाँ पे इसको बाय 4 times लिख देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई आर कॉपर यूज एज कनेक्टिंग वायर। आपको पता होगा कॉपर वायर यूज होती है बेसिकली, ये तो छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है, कॉपर वायर बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसको यूज करा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब रो जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर डिपेंड अपॉन द थिकनेस, लेंथ एंड मटीरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो किस किस बेसिस पे उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमें वो बताना था इसके अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन पर चल लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस मेड ऑफ अलॉयज। देखो अगर मैंने अभी एक्सप्लेन करा था हीट के ऊपर, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कंडक्टर मतलब जो वायर है बेसिकली वो कॉपर वायर होती तो वो गर्म थोड़ी ना होगी, उसको अच्छा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें वो गर्म नहीं होती, अगर गर्म हो जाएगी तो एक टाइम के बाद पिघल जाएगी। तो अच्छी वायर वो है जो उसके अंदर हीट स्टोर नहीं होती, वो आगे करंट फ्लो करता रहता है। वेरस अगर हमें हीटर लगाने हैं, प्रेस लगानी है, गीजर लगाने हैं, ऐसा कुछ सिस्टम लगाना है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो, तो हमें अच्छे कंडक्टर नहीं और ना ही इंसुलेटर, बीच का चाहिए होता है। बीच का क्या होता है, एलॉय। तो हम एलॉय का यूज करते हैं, एलॉय क्या करता है उसको हीट करता है और सही मात्रा में हीट करता है। तो ये बोलते हैं ज्यादा भी नहीं चलाना चाहिए, अगर ज्यादा चलाओगे तो वो पिघल जाएगी उसकी वायर, तो कनेक्शन टूट जाएगा और खराब हो जाएगा बेसिकली। तो आज की इस वीडियो में साइंस की इतना ही, नेक्स्ट चलते हैं हिंदी की वीडियो की तरफ। और अगर पसंद आ रही हो वीडियो अभी तक तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स,
आज की आपकी वर्कशीट, अब हिंदी की वर्कशीट पे चलते हैं। ये वर्कशीट है आपकी कार्यपत्रक नंबर 19 यानी 19। ये 17 अगस्त की वर्कशीट है। उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी वीडियो में आपको दिखाया गया है और आने वाली ये जो वीडियो में हम दिखाएंगे ये आपको पसंद आए, आपको समझ भी आए। तो इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि आपको बार बार ना पूछना पड़े कि वीडियो कब आ रही है। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको इमिडिएटली पता चल जाए। तो ये जो आपकी वर्कशीट है ये अगेन आपका जो पार्ट है बाल गोविंद भगत उसी की कंटिन्यूएशन है। तो इस वर्कशीट में भी राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बताया गया है। तो उस इस चैप्टर का, इस पार्ट का कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है तो उसी के बारे में असल में ये वर्कशीट है। तो बच्चों अभी तक आपने जाना कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक पाठ समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों एवं रीति रिवाजों पर सीधे सीधे प्रहार करता है। लेखक ने कई तरह के सामाजिक सुधारों का पुरजोर समर्थन किया है, जैसे लैंगिक समानता, विधवा पुनर्विवाह, परोपकार आदि। तो ये जो अंश है ये आपको बता रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक जो पाठ है उसके द्वारा समाज में जो रूढ़ियां हैं और रीति रिवाज हैं उन पर सीधे सीधे प्रहार किया है। और ये रीतियां और रूढ़ियां और रीति रिवाज कौन से हैं? तो ये है लैंगिक असमानता। तो उन्होंने किसका समर्थन किया है इस पाठ के द्वारा? लेखक ने समर्थन किया है लैंगिक समानता का, मतलब कि चाहे लड़का हो या लड़की हो सभी को समान तरह की अपॉर्चुनिटीज मिले, समान दृष्टि से देखा जाए। विधवा पुनर्विवाह, इसका भी उन्होंने समर्थन किया है कि विधवा औरतों का दोबारा से विवाह किया जाए। परोपकार, परोपकार मतलब कि दूसरों के हित के लिए काम करना, दूसरों के अच्छे के लिए काम करना। तो इन सब चीजों का उन्होंने समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। दूसरी बात जो लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा या भाए आडंबर से कोई साधु नहीं होता, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से व्यक्ति साधु होता है। तो दूसरी चीज जो उन्होंने कही है, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कही है, वो ये कही है कि सिर्फ साधु के कपड़े पहन लेने से, वेशभूषा मतलब कपड़े, सिर्फ साधु के कपड़े पहन लेने से या भाए आडंबर मतलब कि बाहर के आडंबर जैसे कि हाथ में लोटा है या फिर बहुत सारी वो माला आपने पहनी हुई है ये दिखाने के लिए, या जाप कर रहे हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, या जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के जो बाहर के आडंबर जो करते हैं, जो कुछ लोग करते हैं, वो असल में वो साधु नहीं होते, बल्कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, आपका आचरण क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप साधु हैं या नहीं है, वह व्यक्ति साधु है या नहीं है। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, ना कि बाहरी दिखावापन या ढोंग। तो सिर्फ बाहर दिखाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए या ढोंग करने के लिए संन्यास लेना वो जीवन का आधार नहीं है, बल्कि जीवन का आधार, जीवन का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो होता है एक दूसरे को मानवता की दृष्टि से देखना और एक दूसरे की हमेशा मदद करना। तो वही जो है वो असली संन्यास का मतलब है। बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले हैं। कबीर निर्गुण पंथ के संत हैं। वे किसी भी प्रकार के कर्म कांड, पूजा पाठ, यज्ञ, नमाज, अजान में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कर्म और व्यवहार में विश्वास रखते हैं। तो जो बाल गोविंद भगत जी हैं वो भी कबीर को मानने वाले हैं। कबीर कौन थे? तो कबीर जो थे वो निर्गुण पंथ के संत थे, मतलब कि वो ऐसे पंथ के संत थे जो किसी भी कर्म कांड में, पूजा पाठ में, यज्ञ में या इवन नमाज अजान में विश्वास नहीं रखते थे। वो इन सब चीजों से परे थे। वो सिर्फ एक चीज में बिलीव करते थे कि आपके जो काम है, जो आपके एक्शंस हैं और जो आपका व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है दूसरों की तरफ, वही डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे हैं और आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। तो उसी में वो विश्वास रखते थे। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत किसी पूजा पाठ, ढोंग या दिखावापन की बजाय अपने व्यवहार और कर्म पर बल देते थे। क्योंकि बाल गोविंद भगत जी भी कबीर को मानने वाले थे तो इसीलिए वो भी कोई पूजा पाठ, ढोंग या दिखावापन में नहीं विश्वास रखते थे। वो भी यही समझते थे कि जो हमारे कर्म है, जो हमारे कार्य है, एक दूसरे के साथ जो हमारा व्यवहार है, वही जो है वो डिसाइड करेगा कि हम कितने अच्छे व्यक्ति हैं। दूसरों को दिखाने के लिए हम जो कुछ भी करें वो अच्छी बात नहीं है। इस पाठ की एक और विशेषता है और वो है ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन।
तो इस पाठ की एक और क्या विशेषता है, वो ये है कि जो गांव का जीवन है, ग्रामीण जीवन मतलब गांव का जो जीवन है, उसका लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है, बिल्कुल जीवंत वर्णन किया है कि पढ़कर ही आपको पता चल जाता है कि हाँ गांव में ऐसा ऐसा हो रहा होगा। लेखक ने खेती बाड़ी, पशुपालन, ग्रामीण समाज का रहन सहन और दिनचर्या का सजीव वर्णन इस पाठ में किया है। तो गांव में जो खेती बाड़ी होती है, पशुओं का जो पालन होता है, उनका जो रहन सहन होता है गांव के लोगों का, वहां के जो दिनचर्या होती है, सुबह क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, इस तरह के जो लेखक है उन्होंने बहुत ही सजीव वर्णन किया है, बहुत ही अलाइव जो है डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपकी आंखों के सामने सब ये पिक्चर्स बनने लग जाती हैं। और साथ ही साथ लेखक ने एक और चीज करी है, वो चीज करी है उन्होंने उन्होंने देशज शब्दों का प्रयोग किया है, मतलब कि लौकिक शब्दों का, मतलब कि क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग किया है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पुतोहू, रोपनी, कनफटी, कलेवा, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप किसी स्पेसिफिक एरियाज में ही बोले जाते हैं, तो ये कुछ क्षेत्रों की खास बात होती है, वहीं पर ये कुछ खास शब्द यूज होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो लेखक ने जब इन शब्दों का प्रयोग अपने लेख में किया, तो आपको बिल्कुल ही गांव का एक गांव का जो परिवेश है, गांव का जो रहन सहन है, वो हमारी आंखों के सामने एकदम से साकार हो जाता है, एकदम से जीवंत हो जाता है, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये विजुअलाइज कर पाते हैं, हम ये देख पाते हैं कि गांव में कैसा रहन सहन होगा। अब इसी अंश पर बेस्ड है आपके कुछ प्रश्न, और चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। तो ये प्रश्न एक कहता है, बाल गोविंद भगत पाठ समाज में व्याप्त किन किन रूढ़ियों एवं कुरीतियों पर सीधे सीधे प्रहार करता है। तो जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में समझाया, कौन सी वो रूढ़ियां और कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां हैं लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, जिसमें कि लड़का लड़की को एक समान नहीं माना जाता है, तो ये एक कुरीति है, इस पर ये पाठ प्रहार करता है। एक और है कि विधवाओं का पुनर्विवाह ना होना, ये एक कुरीति है। वेशभूषा या भाई आडम्बर, दिखावे का पूजा पाठ और ढोंग करना, तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए किए गया पूजा पाठ या ढोंग या दिखावा जो है वो उस पर भी सीधे सीधे प्रहार करता है। तो यही आपको ये आंसर एक में लिखना है। अब प्रश्न दो आपका कहता है, परोपकार से आप समझते हैं, क्या समझते हैं परोपकार के माध्यम से समाज को कैसे मजबूत किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में समझाया, परोपकार का मतलब है दूसरों पर उपकार, पर प्लस उपकार, तो दूसरों पर उपकार मतलब दूसरों के हित का काम करना, दूसरों के अच्छे के लिए काम करना। तो यदि हम अपने समाज में समानता बढ़ाएं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का आदर करें, केवल विपत्ति की घड़ी में ही नहीं बल्कि हर क्षण एक दूसरे के हित में कार्य करें, सबकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहें, हमेशा तत्पर रहें, तो हम परोपकार के माध्यम से जरूर समाज को मजबूत बना सकते हैं। आपका प्रश्न तीन आ जाता है, ग्रामीण जीवन अथवा परिवेश कहने का क्या तात्पर्य है। तो ये जो अंत में आपको बताया गया है, वर्कशीट में अंश जो आपको दिया गया है, तो उसमें ग्रामीण जीवन और उसमें उसका परिवेश, ग्रामीण परिवेश का क्या मतलब है। तो और मैं साथ ही साथ प्रश्न चार भी पढ़ देती हूँ, फिर मैं दोनों के ही उत्तर आपको साथ में दिखा दूंगी। प्रश्न चार आपकी एक एक्टिविटी है, ये गतिविधि है, इसमें आपको कुछ लौकिक, कुछ देशज शब्दों के उदाहरण यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं। जैसा मैंने आपको पढ़ा कि पुतोहू, रोपनी, कनफटी, ये आपको कुछ दिए गए हैं, ऐसे ही कुछ लौकिक, कुछ क्षेत्रीय, कुछ देशज शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो प्रश्न तीन का उत्तर अगर जल्दी से देखें, तो उसमें जैसा मैंने आपको समझाया, ग्रामीण जीवन और उसके अथवा ग्रामीण परिवेश का मतलब है गांवों में जो रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या, उनकी खेती और पशुपालन जैसे काम और उनकी बोलचाल का वर्णन। तो यही आप उत्तर तीन में लिखेंगे। उत्तर चार में हमने कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, फुग्गा, अंटी, खिड़की, जाड़ा, धसक, पगड़ी। तो इस तरह के ये जो शब्द हैं, ये बहुत ही क्षेत्रीय शब्द हैं, ये एक लिमिटेड एरियाज में बोले जाते हैं। साथ ही साथ आप अपने माता-पिता से पूछिए, अगर वो उन्हें जरूर पता होंगे, अपनी भाषा पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे शब्द जरूर होंगे जो आप स्पेसिफिकली सिर्फ आप ही यूज करते हैं और वो बाकी लैंग्वेजेस में शायद ना नजर आए या बाकी एरियाज में ना नजर आए। तो आप चाहें तो आप वो शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।